नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तालका और तस्वीरें जो वीडियो आप देख पा रहे हैं पेट्रोल पंप की, और इससे आप अंदाजा लगा लिया होगा आपने कि हम डीजल और पेट्रोल के रेटों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। जी हां, अब तक का ऐतिहासिक और सबसे बड़ा फैसला कि एकदम डीजल और पेट्रोल के दामों में अब तक की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी 50% दामों की बढ़ोतरी की बात हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और आखिर कब, क्यों, कैसे जरूरत पड़ी कि इतने बड़े जो इतनी ज्यादा परसेंटेज के रेट जो हैं वो बढ़ाएं, डीजल और पेट्रोल के बढ़ाने पड़े। तमाम गुजारिश सभी लोगों से कि इस वीडियो को शेयर करें, और सब लोगों को पता है कि आखिरकार जब जब डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं तब तब विपक्षी जो पार्टियां हैं सभी पार्टियों के द्वारा सरकार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ धरने प्रदर्शन किए जाते हैं, ज्ञापन सौंपा जाता है। और अगर बात करें तो आम जनता है, आम वोटर है, सिर्फ वही पीसता है। बीजेपी सत्ता में है, महंगाई बढ़ती है तो कांग्रेस प्रोटेस्ट करती है, और अगर कांग्रेस सत्ता में है तो विपक्षी पार्टी होने के नाते बीजेपी बढ़ती हुई बढ़ोतरी जो है डीजल और पेट्रोल और तमाम महंगाई को लेकर के जो प्रोटेस्ट है वो करती है। लेकिन आम जनता हमेशा जो है इस महंगाई की मार झेलती है। और ये बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐतिहासिक जो बढ़ोतरी है, जो एक झटके में पेट्रोल और डीजल के दाम जो है 50% बढ़े हैं, वो भारत देश, हालांकि मैं आपको जिक्र कर दूं कि भारत देश पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों की मार तो झेल ही रहा है, लेकिन वहीं हमारे जो पड़ोसी मुल्क है वहां पर एक बड़ी आफत आन पड़ी है। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश और में जो पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं उसमें रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी की गई है। जी हाँ, बांग्लादेश में शनिवार को तेल की कीमतों में लगातार 50% की बढ़ोतरी हुई, और सरकार के इस फैसले से देश की सब्सिडी का जो बोझ है वो कम करने में ये बताया जा रहा कि मदद मिलेगी, लेकिन महंगाई पर अधिक दबाव पड़ेगा जो पहले से ही 7% से ऊपर चल रही है। और बिजली, ऊर्जा और खनिज संसाधन मंत्रालय के द्वारा एक बयान जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि पेट्रोल की कीमत 51.2 बढ़ा करके 130%, यानी वहां के अगर जो टके, जिस तरह हमारा भारत के अंदर रुपया होता है वहां पर टका इस्तेमाल किया जाता है, तो जो 51.2 जो बढ़ोतरी की गई है उस पे 130%, यानी डॉलरों की अगर जो बात करें तो $1.38 प्रति लीटर जो है वो इजाफा हुआ है, यानी अब ये कीमत हो गई है। और 95 ऑक्टेन गैसोलीन जो है, गैसोलीन 51.7% बढ़ा करके 135%, और डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों की अगर बात करें तो 42.5% बढ़ा दी गई है। यानी ग्लोबल मार्केट की स्थितियों को देखते हुए तेल की कीमतों में जो बढ़ोतरी की जो है वो जायज थी, ये बताया गया है मंत्रालय के द्वारा। और मंत्रालय ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को 6 महीने से जुलाई तक तेल की बिक्री पर 8 अरब टका यानी $85 मिलियन से अधिक का नुकसान हो चुका है। तमाम लोगों से गुजारिश की इस वीडियो को शेयर करें, जो जानकारी हमारे पास आ रही थी उस जानकारी को आप तक साझा करना ये हमने उचित समझा। और इसी को लेकर के क्या खाली भारत ही नहीं कि भारत के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं, बांग्लादेश के अंदर इस तरह से इतनी ज्यादा बढ़ोतरी की एकदम से 50% के आसपास डीजल और पेट्रोल के जो दाम बढ़ाए गए हैं वो बेहद ही चिंतनीय है। लेकिन यहाँ की अगर जो भारत की बात करूं तो भारत के अंदर भी जो सेंट्रल GST है और राज्य सरकार के द्वारा जो टैक्स लिया जाता है उसके आधार पर बार बार समय समय पर दामों के अंदर इजाफा किया जाता है। लेकिन राहत की खबर है, GST अगर जो लागू की गई है भारत के अंदर, GST अगर पेट्रोल और डीजल के दामों पर भी लागू की जाए तो आम लोगों को
ये बड़ी राहत मिल सकती है, यानी कम से कम 30% जो डीजल और पेट्रोल के दाम है वो कम हो सकते हैं, अगर जो जीएसटी की श्रेणी के अंदर भारत के अंदर डीजल और पेट्रोल को लाया जा सके। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का, नमस्कार।